नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिलौर के नजदीकी गांव समराड़ी में मेला देखने आए नौजवान का तेज धार हथियारों से कुछ नौजवानों ने किया कत्ल, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जीरा के घोड़ मोहल्ला में एक घर में दाखिल होकर नौजवान ने महिला पर तेज धार हथियारों से किया हमला, 2 महिलाएं हुई गंभीर घायल। फिलौर में एक लूट और चोरी की घटना आई सामने, 10,000 की नकदी लूटी और 1,25,000 रुपए की सिगरेट सहित 5,000 की नकदी चोरी कर चोर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। फिलौर के नजदीकी गांव समराड़ी में बाबा नूर शाह जी के स्थान पर चल रहे जोड़ मेले के आखिरी दिन रात्रि लगभग 1:30 बजे कुछ नौजवानों द्वारा 23 वर्षीय नौजवान की तेज धार हथियारों से हमला कर बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मृतक की पहचान गगनदीप निवासी गांव बंडाला मंच की जालंधर के तौर पर हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य जांच अधिकारी SHO फिलौर हरजिंदर सिंह ने बताया कि कत्ल के मामले की जांच जारी है। अब तक की जांच में जो सामने आया है कि ये कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है और इसमें 8 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें से 6 के नाम सामने आ चुके हैं और बाकी 2 के बारे में जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक गगनदीप सिंह अपनी बुआ के गाँव समराड़ी में मेला देखने आया था, लेकिन कुछ नौजवानों ने प्लान बनाकर उसका कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी अपरा के इंचार्ज सुखविंदर सिंह मुल्तानी और उनकी पुलिस टीम जांच में जुटी है, जल्द ही सभी तथ्य सामने आ जाएंगी। फिलौर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पता जी है, इसको लेना गया है, असी अलग रहने हैं, दूर रहने हैं, साडा पिंड विच घर है, अलग इधर प्लाटा च रहते हैं। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਇਹ ਸਮਰਾੜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਥਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮਰਾੜੀ ਗਿਆ। ਸਮਰਾੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਗਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਥਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਾੜੀ ਰਹਿ ਪਏ ਆ। ਸਮਰਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? ਸਮਰਾੜੀ ਵੀ ਭੂਆ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਰਾੜੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ। ਮੁੰਡਾ ਗਗਨ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਬਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀਗੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਥਲੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਮੁੱਦੇ ਧੱਕੇ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ 93 ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। जीरा के घोड़ मोहल्ला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक नौजवान द्वारा घर में दाखिल होकर घर में मौजूद महिला पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया गया। इस हमले के दौरान घर में मौजूद महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके पड़ोस में रहती रिश्तेदार महिला उसे छुड़ाने के लिए जब उसके घर गई तो उक्त नौजवान द्वारा उस पर भी हमला कर दिया गया, जिस कारण वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही जीरा क्षेत्र से विधायक नरेश कटारिया और पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल पूछा। इस दौरान सिविल अस्पताल में उपचाराधीन महिला सुनीता के पति ने बताया कि वे अपने काम पर बाहर गया हुआ था और उसे किसी का फोन आया कि उनके घर में दाखिल होकर एक नौजवान द्वारा उनकी पत्नी पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया गया है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक जीरा ने कहा कि उनकी ओर से पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द हमलावर को गिरफ्तार कर उस पर बनती कार्रवाई की जाए। तो वहीं पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं हमलावर भी सिविल अस्पताल जीरा में उपचार हेतु दाखिल हैं। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट।
ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਦੇਵਾਈ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਬੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀ ਲੜਕਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ। ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੂਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀਤਾ ਮਦਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ फिलौर शहर में रात के समय और दिन दिहाड़े पुलिस के खौफ के बिना लुटेरे लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिस कारण शहरवासियों और बाहर से आने जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते फिलौर रेलवे माल गोदाम वाली सड़क पर एक प्रवासी मजदूर जो कि अपने घर बिहार को जा रहा था, इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरे ने दिन दिहाड़े उसकी बाजू पर दातर मारकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया और 10,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। तो वहीं गत रात्रि रेलवे स्टेशन के सामने किला रोड पर सिगरेट बीड़ी और पान की दुकान के ताले व शटर तोड़कर दुकान में से 1,25,000 रुपये की सिगरेट और 5,000 रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। इस मौके पर दुकान मालिक रोहित पासी ने बताया कि चोरी का उन्हें सुबह पता चला जब वे दुकान खोलने के लिए आए। इस संबंधी थाना फिलौर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही थानेदार भूपिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और कहा कि चोरों को जल्द काबू किया जाएगा। इस मौके पर पार्षद राकेश कालिया और राकेश रॉक्सी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपील की कि शहर में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए ताकि लूटपाट और चोरी की वारदातों को रोका जा सके। फिलौर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रोहित पासी नाम है जी मेरा। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4:50 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਟੂਟੀ 'ਤੇ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ ਖੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਟਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਟਲ ਉਖੜਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਲ ਪੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ? 50,000 ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਸਿਰਫ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼। ਮੈਂ ਇਸੇ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਟਲ ਟੁੱਟਾ ਸੀਗਾ ਅਜੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5,000 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 45,000 ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। पंजाब सरकार की ओर से लगातार धरती के निचले पानी के लेवल को कम होता देखते हुए पानी को बचाने के लिए और नहरी पानी को जमीन तक पहुंचाने के लिए पाइपों के माध्यम से नहरी पानी की निकासी का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से कहा गया था कि इस बार धान की बिजाई से पहले नहरी पानी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पंजाब सरकार की ओर से धान की बिजाई करने के लिए पंजाब भर में अलग अलग तारीखें रखी गई थी, इसी के चलते जिला संगरूर में धान की बिजाई शुरू होते ही खेतों में नहरी पानी पहुंचना शुरू हो गया है और नहरी पानी का खेती में इस्तेमाल करने के लिए रजवाहों तक पहुंचाया गया। तो वहीं पानी को खेतों में लगता देख शगुन की रस्म अदा कर खुशी मनाई गई और पंजाब सरकार का धन्यवाद किया गया।
संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। खुशी तो असं बयान ही नहीं कर सकते भी जिहड़ी चीज़ जिंदगी थोड़ू सारी जिंदगी लोड़ महसूस हुई होवे ते थोड़ू मिली ना होवे वो अचानक मिल जाए थोड़ू उहदी खुशी तो फिर तुसीं हुण आप ही सोच सकते हो भी कितनी खुशी हो रही है ना। तो बहुत ही धन्यवाद है बई जी सरकार का ते मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का ते साडे MLA भैण नरेंद्र कौर भरा जी का बहुत धन्नवाद है जिन्हां ने एडा बड़ा किसानी नूं बचाउण वाला काम करता। असीं किसान नहीं इस चीज़ का उन्हां दा देना नहीं दे सकते जी इहदा बहुत ही वड्डा काम है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जिहड़ी सूए की टेल आ बई जी इह अपने संगरूर जिले का सब तो लंबा सूह है जी कदे अज तक इत्थे टेल ते पानी पहुँचे ही नहीं सी अज इहदी टेल ते तुसीं देख रहे हो कि वह क्यारा भरिया पिया ते टेल ते पानी चल रहा ते सवेरे इह अर्ली मॉर्निंग असीं उठ के देखिया तां पानी इह चालू हो गया सी आउणा। बहुत ज़्यादा वधिया जी बहुत वधिया देख रहे हैं ते साडे घर रवाज है जदों असीं कोई भी वधिया काम हुंदा तां उहदा शगन मनाउणे असीं मिठे नाल इसलिए असीं जदों साडे टेल ते पानी पहुंचा असीं भी इहदा शगन मनाया इकट्ठे हो के साडे पिंड दे बंदे बुलाए ने असीं ते असीं सारे ने शगन मनाए जी बहुत वधिया लग्या। बाकी मैं तो सोचा नहीं सीगा जी असी तो क्योंकि 40 मेरी उम्र 50 साल तो उपर हो चुकी है तो 40 साल तो असी तो नहीं सोचा सीगा भी कदे नहरी पानी साडे बच्चे ने तो की देखना है और सानू भी देखने नहीं मिले 40 साल नहरी फसल वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जी ये फसल वास्ते भी फायदेमंद है धरती लिए भी फायदेमंद है जिहड़ा धरती के हेठों पद्धर नीचे जा रहा पानी का वो मतलब बहुत ज़्यादा घातक गल है जी। पति पत्नी का रिश्ता सात जन्म साथ निभाने का होता है लेकिन आजकल कलयुग में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देकर लिविंग रिलेशनशिप बनाते दिखाई दे रहे हैं जिसका ताज़ा मामला अमृतसर के अमन एवेन्यू में सामने आया है जहां एक पत्नी द्वारा दो से अधिक विवाह करवाने के बाद दुखी होकर अपने पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की धमकी देने की वीडियो बनाई गई है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जब इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम परिवार के पास पहुंची तो पीड़ित महिला ने बताया कि उसका विवाह मनदीप सिंह नामक व्यक्ति के साथ हुआ है और ये उसका दूसरा विवाह है और इस विवाह से उसके दो बच्चे भी हैं। उसका पति मनदीप सिंह विवाह करवाने के कुछ ही देर बाद विदेश में रोजी रोटी कमाने के लिए चला गया और उसके पति द्वारा विदेश में जाकर फिर से विवाह करवा लिया गया जिसके बाद अब मनदीप सिंह उससे पीछा छुड़वाना चाहता है और उसे घर से निकालने की भी कोशिश की जा रही है। इस सब के बावजूद पुलिस द्वारा भी उसी पर उल्टा मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है इसलिए पीड़ित लड़की ने मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की सास से बात की गई तो उसने कहा कि उसका बेटा विदेश में है वहाँ पर काम करने के दौरान अलग अलग लड़कियों के साथ उसकी फोटो जरूर सामने आई है लेकिन उसने किसी के साथ भी विवाह नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि वे जिस घर में रह रहे हैं ये उसकी बेटी का घर है और बहू जबरदस्ती यहाँ रहने की कोशिश कर रही है जिस कारण उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है। वहीं जब इस मामले में थाना गेट हकीमा के पुलिस अधिकारी गुरविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है वह 3 से 4 दिन पुरानी वीडियो है और इस मामले में पुलिस द्वारा लड़की को समझा दिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मिट्टी का तेल पा लिया वा मैनू इतने मेरे सहुरिया के घर अमर HE 133 अमर एवीन्यू गेट हकीमा दे विच कुछ भी हुंदा है। मेरी सस सरबजीत कौर मेरी ननान गुरजिंदर कौर इतों का रहन वाला लाती केवलां वाला ये सारे जाने मेरी मौत दे मेरे सारे सहुरा परिवार मेरी मौत का जिम्मेवार होगा। मैं जो इतने व्याह के आई हाँ उदो इन्ह ने मैंने दसिया नहीं मेरा घर आज इन्होंने आपकी धी के ना घर ना कर घर करवाया हो इन्होंने मैं दसिया अज मैं इतों क्ढन दे जबरदस्ती मेरिया दोवे धिया के नाल जे अज मैनू इतने कुछ भी हों तो मेरी सारी सहुरे परिवार फैमिली जिम्मेवार होगी भी बिचे मेरी ननाना इतों रहने वाला लाटी केवलां वाला मेरी सस सरबजीत कौर मनदीप सिंह जो इस वक्त सिंगापुर गया 7 तो 8 उन्हें विह करवाए आ बिना तलाक तो मैनू इन्होंने इन्ना दुखी किया प्यार मेरे को नहीं हिम्मत हैगी जीन की इन्होंने मेरी मौत की वजह बनना है मैनू कुछ भी हों तो मेरा यही सबूत जो बस हो कुछ नहीं है इतने आके मेरा बुरा हाल किया पाया मेरे को मैं भुखी मरन दे इन्होंने मैनू तंग किया पाया मैनू। तो मेरी मैरिज हुई सी 2020 हुई सी इतने अमृतसर के हुई सी मैं पिछे तरन तारण तो रहने वाली हाँ तो इतने गेट हकीमा वाली साइड अमन एवीन्यू कलोनी है उत्थे HE 133 मेरी मैरिज हुई सी। तो चलो मेरे हसबेंड मनदीप सिंह उन्हों का नाम है कुछ टाइम मेरे नाल ठीक रहे हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7 8 ਤੱਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮਦਰੀ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰੀ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੇਲਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗ 2 ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ SSO ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੇਲ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦਣ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਕਰਾਏ ਆ 7 ਤੋਂ 8 ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਡੀ ਛੇਤੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਈ ਉਹ ਫਰੈਂਡਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਇਹ ਅਮਨ ਐਵੀਨਿਊ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਮੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੇਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਈ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਇਸ ਨਈ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਮੇ ਰੇਨੋ ਕੀ ਅਨੂਠੇ ਔਰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵਾਹਨੋ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੇਨੋ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਸੁਧੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਈ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਉਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਖੇਤਰੋਂ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਸੰਦ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਮੇ ਰੇਨੋ ਵਾਹਨੋ ਕੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਮੇ ਸਪੋਰਟੀ ਕਾਈਗਰ ਬਹੁ ਉਪਯੋਗੀ ਟ੍ਰਾਈਵਰ ਔਰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕੁਇਡ ਜੈਸੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਬੇਹਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਯਹਾਂ ਹੋਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੇਨੋ ਗਾੜੀ ਚੁਣਨੇ ਮੇ ਉਨਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਬਿਕਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨਮੇ ਉਚਿਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਔਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਧੀਰ ਮਹੋਤਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਨੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ
रेनो अमृतसर आज इनॉगरेट कर रहे हैं तो यह करते हुए सानू बड़ा ही गर्व ते मान है। सो इस डीलरशिप के नाल साडा जिहड़ा नैटवर्क है सारे इंडिया साढ़े 400 तो ज़्यादा साढ़े सेल्स पॉइंट्स है तो 500 तो ज़्यादा साढ़े सर्विस पॉइंट्स है। सो हुण अमृतसर के कस्टमर के होर नज़दीक आ गए हैं असीं तो मेरी गुजारिश होएगी कि इत्थे रेनो डीलरशिप आन तो अपनी पसंदीदा गड्डिया वेखन रेनो क्विक रेनो ट्राइबर तो रेनो टाइगर तीनों गड्डिया अपने आप इनोवेशन की मिसाल है तो तीनों गड्डिया साढ़े इंडियन कस्टमर्स वास्ते डिजाइन हुए हैं इंजीनियरिंग हुई है एंड गड्डिया ने काफ़ी प्यार सारे इंडिया च मिले। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपने देखा हो तो दो यूज्ड कार कंपनीज ने रेनो क्विड को अपने सेगमेंट में बेस्ट रीसेल वैल्यू के लिए अवार्ड दिया है। तो एक तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो धारणा में होती हैं बट कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल मार्केट में हैं। सो रेनो क्विड को वेरी रिसेंटली दो कंपनियों ने डिफरेंट कंपनीज ने दे हैव यूज्ड कार बिग कंपनीज दे हैव अवार्डेड रेनो क्विड विद द बेस्ट रीसेल वैल्यू इन इट्स सेगमेंट। था जंडियाला में था यहाँ पे शोरूम आपका वो बंद हो गया था तो ये अमृतसर में पहला शोरूम अपने शोरूम्स का यहाँ पे हम जैसे जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है हम विस्तार करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी अभी हम 450 हमारे शोरूम्स हैं इंडिया में तो उस लिहाज में एक्सपेंशन जिस सिटी में हमारे को लगता है कि अब ड्यू है हम उसी हिसाब से अपनी एक्सपेंशन करते हैं। मेरा नाम आनंदपाल सिंह है कंपनी का नाम महाराजा कार्स प्राइवेट लिमिटेड असं इतने अमृतसर के वर्ल्ड क्लास जड़िया कारा ने रेनॉल्ट दिया रेनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लैके अपना शोरूम खोल रहे हैं और वर्ल्ड क्लास शोरूम इतने तुहाडे सामने ही है खोलिया हैगा जिसी शोरूम च प्लस सर्विस बॉडी शॉप ये सारा सारी फैसिलिटी असं इतने देंगे और साडा जिहड़ा कंपनी का मेन मोटो है वो यही है कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन अपने गाहक नूं दी जिहड़ी है तसली करवानी और उहदा अच्छी तो अच्छी जिहड़ी सर्विस है उहनूं देनी दिस इज़ आवर मेन मोटो और कंपनी रेनॉल्ट है जो वर्ल्ड ओवर कंपनी काम करती है और बड़े अच्छे इन्हों के प्रोडक्ट तुसी सारे देखे ने इतने वो लैके आ रहे और अगों होर भी बड़ी लंबी लाइन है कंपनी की जिहड़े प्रोडक्ट्स जिहड़े आने वाले समय से असीं देंगे। हुल्लड़बाजी के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए और बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जालंधर ट्रैफिक पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है जिसके चलते जालंधर प्रशासन की ओर से शहर के अलग अलग सरकारी जगहों और अलग अलग इलाकों में नाके लगाकर दोपहिया वाहन और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं जिसके चलते जालंधर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर नाकाबंदी कर दर्जनों चालान काटे गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी हेडक्वार्टर मनवीर बाजवा ने कहा कि माननीय पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार शहर में गलत तत्वों पर नकेल कसने और सड़क हादसों को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है जिसके चलते पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर चेकिंग की गई जिसके बाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर नाकाबंदी कर चेकिंग की गई। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान 40 से 50 मोटरसाइकिल जिनमें कानून के अनुसार कुछ खामियां थी उनके चालान काटे गए हैं और आधा दर्जन के करीब बुलेट मोटरसाइकिल बाउंड किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नाकों से डर कर भागने की जगह रुककर बात की जाए ताकि हादसों से बचा जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। स्पेशल ऑपरेशन कासो ऑपरेशन सगा असी ये जड़ा सारे पंजाब च चल रहा मानजो कमिश्नर साहब दे ऑर्डर सगे के जड़े जुडिशियल कोर्ट कंपलैक्स है वो 10 बजे तो लैके 2 बजे तक असी 2 तो वध भी करांगे स्पेशल जड़ा सर्च ऑपरेशन है नाकाबंदी करके भेड़े शक्की पुरश और जड़े वहीकल ने शक्की उन्हां दी तुसी चैकिंग करो। इस दौरान असी जिहड़ा सारे कोर्ट कंपलैक्स के अंदर भी चैकिंग की है जिहड़े घट्टो घट्ट 40 तो 50 जिहड़े शक्की पुरश चैक किए हैं उन्हां दा असी सारा वेरीफिकेशन कर रहे हैं। इस तों अलावा असी नाके ला के बाहर ते असी लगभग 125 तो 30 जिहड़े आ ट्रैफिक दे जिहड़े आ मोटरसाइकिल ते होर वहीकल चैक किए हैं लगभग 40 तो 50 असी चलान कट्टे ने
ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੰਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ 40-45 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਖਤ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਗੇਅਰ ਹੈ 16-18 ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਗੇਅਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਉਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਓਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਧੂਰੀ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਾਉਂ ਬੇਨੜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਰਜਵਾਹੇ ਮੇ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਦਰਾਰ ਭਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਇਲਾਕੋ ਮੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਸਾਰ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਡ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਜਵਾਹਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਟੂਟ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਪਾਣੀ ਬੇਨੜਾ ਗਾਉਂ ਕੇ ਖੇਤੋਂ ਮੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਬ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਬੋਰੀਆਂ ਡਾਲਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਅਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਸਾਰ ਹਾਈਵੇ ਕੋ ਪਾਰ ਕਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ? ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ? ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਭਰਿਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬੇਨੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ? ਇਹਦੀ ਕੱਚੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਜੀ, ਉਰੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਸਥਿਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਮੇ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਏਵਮ ਸੰਚਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਦਿਵਯ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਦੁਆਰਾ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੰਚੋਪਚਾਰ, ਸ਼ੋਟਸ਼ੋਪਚਾਰ, ਗੌਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੁੰਭ ਪੂਜਨ, ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਮੰਤਰ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕਰ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਗੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਸੇ ਸਪਰਿਵਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਉਪਰੰਤ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਲਵਾਈ। वही इसे यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोग भौतिक युग में नैतिक दायित्वों को छोड़कर गलत कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। हर किसी को चाहिए कि जीवों पर दया करें और सदकर्म करें। अगर जीवों पर दया नहीं करेंगे और गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे तो इसका परिणाम हमें इसी धरती पर और यहीं मिलना है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का संदेश जियो और जीने दो का ही रहा है। जीवों की रक्षा करना, उन पर दया करना ही परम धर्म है। तो वहीं इस अवसर पर संजीव सौंधी, समीर कपूर, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, प्रदीप, डॉक्टर शर्मा, प्रदीप शर्मा, धीरज, बलजिंदर सिंह, प्रिंस कुंडल, रोहित भाटिया, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, मोहित, अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, लवली, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, गौरव जोशी, संजीव सावरिया, यज्ञदत्त, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, डॉक्टर गुप्ता, मानव शर्मा, राजीव, अशोक शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹਵਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਵਯ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਕਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਪਤਾਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
अज मां दे भगत दूरों दूरों आ के अपने श्रद्धा के जिहड़े सुमन है मां दे चरणा च अर्पित किए हैं और हवन यज्ञ दे विच आ के आहुतियां डालियां। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि रविवार को मासिक संपूर्ण फलदायी अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है जिहड़ा कि शाम को 6 बजे तो स्टार्ट होएगा। 6 तो लैके 8 बजे तक हवन यज्ञ है। उस तो उपरांत एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा। सारे समूह संगत को करवत प्रार्थना है आके महामई के दरबार से हवन यज्ञ आहुतियां पाओ तो इस जिहड़ा पुन्ने का कर्म है उसके विच भागीदार होवो। आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों नाल आके दाती के दरबार से नतमस्तक होवो और अपनी झोलियां खुशियां नाल भरो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परिंदे जिम की तरफ से परिंदे पार्क में योग दिवस मनाया गया जिसमें जिला व्यापार मंडल के महासचिव विकास ढांडा विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर विकास ढांडा और राजन सियाल ने आए हुए लोगों का स्वागत किया और उन्हें योग के प्रति प्रेरित किया। इसके अलावा योग से होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर आरपी सिंह, गगन, सिमरन बवेजा, बलजीत सिंह सिमर, डॉक्टर संजीव, मनप्रीत कौर, राज डाबर, शिवानी डांडा, निधि मल्होत्रा, अंजना ठाकुर, गीतांजलि अग्रवाल, जतिंदर कौर, डॉक्टर शालिनी, अंजू अरोड़ा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। समाज सेवी परिवार कमल मेहता ने अपने बड़े बुजुर्गों की याद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कड़ी चावल, राजमा चावल, मीठे चावल व ठंडे मीठे जल की छबील का लंगर लगाया जिसमें पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, पूर्व डिप्टी मेयर परिवेश टांगरी, प्रदीप खुल्लर, चेतन छिब्बर और चंदन मेहता ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस मौके पर नंदन मेहता, अजय अरोड़ा, वरुण चौहान, रवि कुमार, परिवेश नरूला, स्माइल मेहता, अंश अरोड़ा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जालंधर वैसे के समाज सेवी परिवार जिहड़े वक्त वक्त धीआं दे विआहां लई योगदान दिंदे है, बच्चों की एजुकेशन लई योगदान दिंदे है, तो जिथे किसी गरीब की कुली बन्नी होवे ते अपनी दसा नौ की किरत कमाई दे विच उह योगदान दिंदे है, भाव कमल मेहता परिवार। कमल मेहता परिवार जो कि हर साल की तरह इस साल भी प्रभु श्री राम जी के चरणों के उन्हां दी संतां दे लई छबील मिठे चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल का जिहड़ा लंगर है वह अज इत्थे अपनी दुकान के अगे जिहड़े वरता रहे हैं। हर साल मेहता परिवार इस तरह अपनी दसा नौ की किरत कमाई के अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार, अपने बड़ियां की खुशी के लिए इस तरह लंगर लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गीता मंदिर में योग शिक्षक जगजीत की अध्यक्षता में योग शिविर लगाया गया जिसमें शिक्षक जगजीत ने आए हुए लोगों से योग आसन करवाकर उन्हें योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। इस मौके पर विक्रम कुंद्रा, अंजना अरोड़ा, मनदीप, सरिता सहित बड़ी संख्या में योग साधकों ने भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम जगजीत कौर है और 19 जनवरी 2019 से ये गीता मंदिर का भवन जो है योग के लिए लिया गया था, तब से निरंतर यहाँ से कक्षाएं चल रही हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से निरंतर कक्षा के चलते ऑनलाइन जितने भी अभ्यासी हैं वो देशों विदेशों से जुड़े हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, दिल्ली, अंबाला, जलंधर, पठानकोट, जितने भी अभ्यासी हैं वह सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और योग का लाभ उठा रहे हैं। योग 2015 से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 2015 में 21 जून को अनाउंस किया था, तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो है योग का आयोजन हो रहा है। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये गीता मंदिर का भवन जालंधर, पंजाब, इंडिया, और इन सभी लोगों की अपार कृपा की वजह से योग परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। भवन के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कभी नहीं आई। विशेष तौर पर सफाई कर्मचारी, हॉल की मेंटेनेंस, पंखे, लाइटें, एसी तक हॉल में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब आवश्यकता पड़े हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं मिसेज अविनाश विजय मरवाहा हूँ जी और ये हमारे मंदिर में
मैडम जगजीत बेटी 2019 से योग का अभ्यास करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबके स्वास्थ्य के लिए। मेरी ओर से जगजीत बेटी को और सब आए हुए बच्चियों को, मेरे तो बच्चे हुए हैं सभी, तो इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान उनको स्वस्थ रखे और अब आपके जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बहुत मौका पड़ा। जनरल सेक्रेटरी गीता मंदिर, आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी छोटी बिटिया जगजीत कौर ने इतना बड़ा अपना मंडप सजाया हुआ है, बच्चे उन्होंने साथ दिए हुए हैं, हमें बहुत खुशी है। एक शाम साईं के नाम का 10वां सालाना मेला व भंडारा न्यू दशमेश नगर बस्ती शेख नज़दीक MD स्कूल में मनाया गया, जिसमें महफिल कवाली का आयोजन किया गया। इस दौरान सोनी सूफी कव्वाल और गायक कौर गिल ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर व अपनी कवालियों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके साईं राधेशा बूटाराम, सुशील मल्होत्रा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे, तो वहीं सारी रात आए हुए भक्तों के लिए लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस दौरान श्री श्री 108 महाराज स्वामी ने कहा कि जो इंसान सुबह शाम एक एक माला मां बंगलामुखी जी के महामंत्र के जाप का करता है, उसके सब बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं।
इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और आज चौथा नवरात्रा है। गुप्त नवरात्रे जो होते हैं, वैसे तो आमतौर पर जो हम लोग हैं वो नहीं मनाते, लेकिन कुछ लोग जो तंत्र मंत्र के साथ तांत्रिक सिद्धियाँ करते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रों के रात के समय में वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कई कुछ करते हैं, इसलिए वो कई लोगों को किसी का बुरा के लिए भी कुछ करते हैं। तो आप कभी भी कहीं भी चुराहे की तरफ जाओ तो थोड़ा सा देख के निकलिए, क्योंकि अभी 3 दिन और 4 दिन और पड़े हैं, तो 4 दिन तक अष्टमी तक कोशिश करो। कहीं भी आप चौराहा देखो तो चौराहे में कई बार आप सुबह जाते हो, सैर करने के लिए जाते हो, सैर करते हुए अचानक कोई चीज़ है वहाँ पर, तो उससे ना गुजरो, थोड़ा सा साइड में होके निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है किसी ने अपने फायदे के लिए किया हो सकता है किसी ने किसी के नुकसान के लिए किया हो। थोड़ा सा ये देखभाल कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दिवाली के दिनों में, एक होली के दिनों में थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो माँ भगवती का जो आप पाठ करते हो इसके आगे तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। लेकिन कहते हैं कि बुरा समय जब आता है हमें कह के भी आता है। वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा के लय बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं भगवा मुखे सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा के लय बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। सहगल रबड़ हाउस के मालिक संजय सहगल की माता हर्ष रानी सहगल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया, जिसमें आए हुए पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय हर्ष रानी सहगल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व CPS KD भंडारी, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी सहित पारिवारिक सदस्यों में राधा सहगल, अश्विनी वर्मा, रितु वर्मा, संजय चोपड़ा, पायल चोपड़ा, निखिल सहगल, तानिया सहगल, सूरज, कांता मैनी, सोमनाथ मैनी सहित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय हर्ष रानी सहगल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिलौर के नजदीकी गांव समराड़ी में मेला देखने आए नौजवान का तेज धार हथियारों से कुछ नौजवानों ने किया कत्ल, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जीरा के घोड़ मोहल्ला में एक घर में दाखिल होकर नौजवान ने महिला पर तेज धार हथियारों से किया हमला, 2 महिलाएं हुई गंभीर घायल। फिलौर में एक लूट और चोरी की घटना आई सामने, 10,000 की नकदी लूटी और 1,25,000 रुपए की सिगरेट सहित 5,000 की नकदी चोरी कर चोर हुए फरार।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।